ब्रह्म नगरी से रज लेकर राम नगरी रवाना हुए विधायक रावत, पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर अयोध्या के लिए किया कूच। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत विधानसभा के 1008 धार्मिक स्थलों से संग्रहित पवित्र रज का कलश लेकर आज अयोध्या के लिए रवाना हो गए। सांसद भागीरथ चौधरी, पूर्व जिला देहात अध्यक्ष बीपी सारस्वत, विधायक सुरेश सिंह रावत ने संतों और पुरोहितों की मौजूदगी में पवित्र सरोवर के ब्रह्म घाट पर वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच संग्रहित रज कलश की पूजा अर्चना की। वीआईपी पुरोहित नरेश रायता ने पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना करवाई। पंडित कैलाशनाथ दादीज ने वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ रज कलश की पूजा अर्चना करवाई। भाजपा नेताओं ने सरोवर का दुग्धाभिषेक कर जल्द भगवान राम के मंदिर का निर्माण पूरा होने की कामना की। सांसद भागीरथ चौधरी ने अयोध्या में बनने वाले भगवान राम के मंदिर के प्रति खुशी बयां करते हुए विधायक रावत के रज संग्रहण यात्रा की जमकर सराहना की। चौधरी ने कहा कि वे खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र के पावन और पवित्र स्थल की मिट्टी भगवान राम के मंदिर में काम आएगी। भाजपा नेता बीपी सारस्वत ने कहा कि 5 सदियों से बाद यह खुशी का पल आया है, इस पर सभी को गर्व करना चाहिए। विधायक सुरेश सिंह रावत ने अपनी रज संग्रहण यात्रा के दौरान पुष्कर विधानसभा में मिले लोगों के अपार स्नेह और उत्साह के लिए आभार व्यक्त किया। रावत ने कहा कि ब्रह्मा की नगरी की पवित्र मिट्टी लेकर राम मंदिर जाना उनके लिए बड़े गौरव की बात है। इस दौरान राम द्वारा संत गिरजा राम, राम स्नेही बाल मुकुंद आश्रम के महंत राम रत्नाचार्य, चित्रकूट धाम के महंत पाठक जी महाराज, राम सखा आश्रम के महंत नंद शरण जी महाराज, भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, भाजपा नेता जीतमल प्रजापत, ओम प्रकाश, राजेंद्र महावर, ईश्वर पाराशर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, दशकों से एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे देश के करोड़ों जनता की आस्था का सवाल था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जहाँ जन्म हुआ वहाँ भव्य मंदिर बने और वो पल आ गया है और वहाँ भव्य मंदिर बनने जा रहा है। हमें खुशी है, आपको पता जगत पिता ब्रह्मा जी का ये स्थान है पुष्कर, और पुष्कर सरोवर चाहे कई दुनिया में किसी भी जगह जाके तीर्थयात्रा करके जब तक पुष्कर नहीं आए जब तक वो तीर्थ यात्रा पूरी नहीं हो सकती है। और हमें खुशी की बात है कि हमारे पुष्कर से विधायक सुरेश सिंह जी रावत ने ये आस्था का सवाल और इनके मन में ये इन्होंने प्रण किया कि क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा पुण्य जगह है पुष्कर राज, ये पुष्कर विधानसभा क्षेत्र। इन्होंने पूरे पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में 1008 जो पुण्य जगह चाहे मंदिर हो चाहे गौशालाएँ हों उनकी रज लेकर ये अयोध्या में
जो भव्य भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है उस रज को उसके नींव में वो समाहित करेंगे। हमारे लिए इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि अजमेर लोकसभा क्षेत्र में पुष्कर विधानसभा क्षेत्र आता है और सुरेश सिंह जी रावत साहब ने ये बहुत बड़ी ये जो पुण्य का कार्य किया है यह आने वाले सदियों तक याद रखा जाएगा। आज हमारे बीच में हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और हमारे संभाग के प्रभारी बीपी सारस्वत जी हमारे साथ और पूरे पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व, जिले के पदाधिकारी, सारे मंडल अध्यक्ष, सारे जनप्रतिनिधि, छोटे से छोटा बूथ स्तर के कार्यकर्ता में इतना एक खुशी का इजहार था और आज यहाँ पुष्कर सरोवर पर उसकी पूजा हुई है। अब सुरेश सिंह जी रावत साहब इसको लेकर अयोध्या जा रहे हैं, बहुत बड़ी खुशी है हमारे को। अब एक ही नारा है, जय सियाराम, जय जय सियाराम। इस पल के लिए पिछले 500 वर्षों में हजारों लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया और उस ढांचे को समाप्त करने का काम जो 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने किया वो अविस्मरणीय रहेगा। सदैव मैं विश्वहिंदू परिषद का प्रदेश मंत्री रहा, उस समय सुरेश जी हमारे साथ काम करते थे और हमने इन पुष्कर के गांव में राम रक्षा सूत्र का एक जो मुहिम थी वो बहुत शुरू की थी और राम मंदिर के बारे में जन जागरण करने का अभियान हमने शुरू किया। राम सेवक के रूप में मुझे भी कार सेवा में जाने का अवसर मिला। ये न केवल भारत के बल्कि विश्व के अरबों खरबों लोगों का ये सपना था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बने। मैं धन्यवाद दूंगा इस देश की सरकार को, आदरणीय मोदी जी को, गृह मंत्री जी अमित शाह को, कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इसको पूरा करवाया। जो तथ्य थे सरकार की तरफ से वो सुप्रीम कोर्ट में रखे और जो खुदाई वहाँ पर हुई सारे तथ्य ऐसे थे कि वो वहाँ पर मंदिर था, रामलला वहीं पर जन्म हुआ, वो जन्म स्थान था और इसलिए मुझे लगता है कि जो आज हम जिंदे हैं वो और जो स्वर्ग में जिन्होंने ये आंदोलन करने के नाते अपने प्राण दे दिए वो सब लोग 5 अगस्त को जो परम आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम संचालक जी ने जिस प्रकार इसका भूमि पूजन करके एक संदेश दिया और मुझे लगता है कि जो ट्रस्ट हमारा बना है ये 30-35 महीने में भव्य राम मंदिर जो बहुत बड़ा ऐसा भव्य होगा कि विश्व के लोग आएंगे और एक तीर्थ स्थान बनेगा, ये सबकी भावनाओं पर खरे उतरने का काम इस केंद्र सरकार ने किया। तीर्थराज पुष्कर के अरण्य क्षेत्र पुष्कर विधानसभा के प्रत्येक गांव में गया और प्रत्येक मंदिर की रज ली। लोगों में उत्साह देखते ही बनता था, लोग आत्मा से चाहते थे कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, क्योंकि भगवान श्री राम हम सबके प्राण वायु है। तो हम सब ने भी मिलकर इस यात्रा को दिव्य प्रदान करने का सब लोगों ने प्रयास किया और लगभग 1008 मंदिरों की हमने सूची भी बनाई और सूची भी राम मंदिर ट्रस्ट को देंगे। और आज हम तीर्थराज पुष्कर के सभी लोगों का और विशेष तौर से साधु महात्माओं का, संतों का और यहाँ के तीर्थ पुरोहितों का, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, हमारे कार्यकर्ताओं का, आम लोगों का, सबका आशीर्वाद लेकर आज मैं अयोध्या यात्रा पर जा रहा हूँ और ये मिट्टी माँ ट्रस्ट को मैं सपोर्ट करूँगा और निश्चित रूप से इसे हमारे खुशहाली रहेगी। और प्रत्येक गाँव के अंदर जो विश्व हिंदू परिषद द्वारा आंदोलन चलाए गए थे, जैसा कि बीपी सारस्वत जी ने बताया, राम रक्षा संकल्प सूत्र हम गाँव में जाते थे और लोगों को संकल्प दिलाते थे, तो आज 20 साल बाद सुखद संघ एक एक मन में महसूस होती है। निश्चित रूप से तीर्थराज पुष्कर में जो गंदा पानी जा रहा है वो नई समस्या नहीं है, वो आदि अनादिकाल वर्षों पुरानी समस्या है और इसलिए कई सरकारों ने भी इसके समाधान करने का प्रयास कितना किया मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मेरा कार्यकाल आया तो पिछली बार मैंने कोशिश करके 4 करोड़ रुपये की राशि पिछली गवर्नमेंट में स्वीकृत कराई, लेकिन वो राशि कम रही, ठेकेदार इसके पाइप भी खरीद के ले आया था लेकिन वो कर नहीं पाया। अब वापस पुनः विधानसभा के अंदर भी मैंने मामला क्वेश्चन लगा रखा है, जिला कलेक्टर से भी मैं मिला, तो जल्दी मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और हमारे जो सांसद महोदय भागीरथ चौधरी साहब ये भी इसके लिए करण संकल्प है और मैं भागीरथ चौधरी साहब को साथ ले जाके और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी हम उनसे भी मिलेंगे और निश्चित रूप से हमारे MP साहब के नेतृत्व में ये काम होगा। पिछले वसुंधरा जी की सरकार में 4 करोड़ रुपये सेंक्शन हुए थे लेकिन किसी तकनीकी कारण वो राशि कम थी और काम नहीं हो पाया। अब राज्य सरकार से हम लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन वो हमारी सुन ही नहीं रहे हैं, तो हम जल्दी इस एक अभियान चलाएंगे और तीर्थराज पुष्कर में गंदा पानी नहीं जाए इसके लिए साक्षर अभियान चला के माननीय राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देके उनसे मांग की जाएगी कि समस्या का समाधान करें।